ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସାମୂହିକ ଦୀପଦାନ। ଏନେଇ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ହାପି ଲିଭିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। दीर्घ पांच वर्ष धरी हापी लिविंग फाउंडेशन तरफ विश्व शांति पाई सामूहिक दीपदान करा जाउछि। चलित वर्ष नवंबर 23 तारीख संध्या 6टा रे भुवनेश्वर राम मंदिर परिसर रे 2000 घृत दीप प्रज्वलित हेबो। दीर्घ पांच वर्ष धरी हापी लिविंग फाउंडेशन ए कार्यक्रम को आगे नैछि। आज घरे घरे लोक जानिलेनि देव दीपावली दीप दीप गोटे लगेबार किभली भावरे जनहितकर कार्य हेबो सेतिपय लोक जानले नै जाणिले तेणु आसंता 23 तारिख दिन बहु भाव में आम आशा करूँ बहु भाव आमर जो मैंने अच्छा लोक मैंने से मैंने आसबे गोटे गोटे दीप संसार उन्नति मनर शांति शरीर निरोग गोटे गोटे दीप प्रदान करें आम आशा करूँ। 23 तारिख दिन संध्या 6टा एक बहु भाव ये कार्यक्रम टे आगे नबू। यार उद्देश्य हेउछि विश्व शांति और वायुमंडल प्रदूषण मुक्ति। सबु मठ मंदिर दीपदान करंतु, प्रति घरे घरे दीप लगांतु, केमिति विश्वर मंगल हेबो सही उद्देश्य रे एही दीपदान उत्सव पालन हेबो। बहुल भाव रे एही कार्यक्रम रे जोग देबाकु निवेदन करिछंती संगठनर सभापति। साधु संत विद्वान एही कार्यक्रम रे जोग दबा पई आमे अनुरोध करिछु, ता सहित ओडिसा वासिंकु मध्य ए कार्यक्रम रे शामिल हेबा पई अनुरोध करा जाय छी। एहा 3 दिन धरी श्री मंदिर रे पालन करा जाय। एही 3 दिन श्री जगन्नाथ श्राद्ध बेसरे भक्त मानको दर्शन दियंती। मार्गशीर मास चतुर्दशी रो एहा आरंभ होइथाय। देव दीपावली अमावस्या मार्गशीर शुक्ल प्रतिपद रे शेष हुए बोली कहिसंती वास्तुविद। एही देव दीपावली 23 नवेम्बर बुधवार संध्या 6 घटिका समय 3 नंबर राम मंदिर रे पालन हेबो। यार उद्देश्य होउछि विश्व शांति ओ वायुमंडल जो प्रदूषण होउछि सेथिरु मुक्ति। आमे निवेदन रखिबु ओडिसावासींकु, ओडिसा रे जेते मठ मंदिर अछि सबु मठ मंदिर रे दीपदान निमित्त एवं जो माने घरे भी रहउछंती एकु व्यापक भाव रे प्रति घरे घरे सेदिन दीप लागिबो एवं विश्व शांति निमित्त आमर ये होची प्रार्थना। आम के विश्वर मंगल हम यही उद्देश्य आम दीपदान उत्सव पालन कर। भुवनेश्वर सुशांत साहू रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।